वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा चैनल। और आज मैं हूँ यहाँ इंदौर शहर में, अपनी दिवाली मनाने आई हूँ और आपकी भी दिवाली होपफुली बहुत अच्छी गई होगी। हम लोग आज जो वीडियो शेयर करने वाले हैं वो जो दिवाली पे हमने भगवान जी को जो फूल चढ़ाए हैं गेंदे के, उसके ऊपर तो हमारे जो फूल हैं, सूखे फूल हैं, उनको आप फेंके नहीं, उसी से हम आज अपना पौधा लगाने वाले हैं। उससे पहले हम शुरू करेंगे हमारा बेसिक प्लांट नॉलेज। और बेसिक प्लांट नॉलेज जो है हमारी, वो भी अभी जो टेम्परेचर में हमारे इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसी के ऊपर है। जिस तरह हमारी तबीयत पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसी तरीके हमारे पौधे की तबीयत पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। उस पर लगातार आपको चेक करते रहना है, उनका ट्रीटमेंट देते रहना है, तो आपका पौधा किसी भी तरीके की बीमारी के घेरे में नहीं आएगा और सेफ रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, सूखे फूल से, हम गेंदे के सूखे फूल से किस तरीके से हमारा पौधा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माला के जो है दो तरीके के फूल मैंने ले लिए हैं और इससे क्या है, हमारे दो तरीके के पौधे तैयार हो जाएंगे, दो कलर के। तो जैसे हमने ये फूल लिया, आपको इसके अंदर से ऐसे करके इसको धीरे से तोड़ना है और तोड़ने के बाद में ये जो है हमारा जो ब्लैक और व्हाइट कलर का है, ये जो ब्लैक और व्हाइट कलर का है ये हमारे सीड्स हैं। बाजार में भी जो है आपको इसी तरीके के सीड्स आते हैं और अगर किसी के अंदर अगर सिर्फ व्हाइट पार्ट है, इट मींस कि वो जर्मिनेट हमारा नहीं होगा, तो इस बात का एक स्पेशली ध्यान रखें। तो इस तरीके के आपको सब आपके दोनों तरीके के फूल को ये खोल लेना है। ये देखिए, ये मेरा जो फूल है ना, इसके अंदर ब्लैक और ये व्हाइट जो है वो नहीं है, तो अगर हम इसको डालेंगे भी तो भी हमारा जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ऐसी चीज का आपको ध्यान रखना है, इसको मैंने हटा देना है। और ये हमारा सबसे अच्छा है, अब आप देखिए हमने जो फर्स्ट खोला था उससे भी अच्छा है, तो इसकी जो जर्मिनेशन रेट है वो ज्यादा रहेगी। एक अच्छा पॉटिंग मिक्स ले लें, ये मैंने इसमें प्लास्टिक के डब्बे में ले लिया है, और थोड़ा पानी इसमें हम डाल दें, थोड़ी सी गीली हो जाए पॉट के अंदर। उसके बाद में मेरे पास दो वेराइटी है सीड्स की, तो मैं दो जगह अपने इनको बिखेर दूंगी फूलों को। मैंने एक तरफ येलो कलर के डाल दिए हैं, एक तरफ ऑरेंज कलर के फूलों की जो है बीज डाल दिए हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि इधर येलो वाले आएंगे और ऑरेंज वाले आएंगे। मैं यहां पर एक मेंशन भी कर दूंगी। और अब मैं इसके ऊपर से हमारे जो है बाकी बची हुई जो हमारी पॉटिंग मिक्स है वो मैं स्प्रेड कर रही हूं। इसको आपको एक हल्की लेयर आपको डाल देनी है, इसको थोड़ा हाथ से आपको दबा देना है, जिससे कि जब भी आप पानी डालेंगे तो आपके जो है जो सीड्स हैं वो बिखरेंगे नहीं, और आपको उसके बाद पानी का इस पर छिड़काव कर देना है। सेमी शेड में आपको इसको रख देना है, लेकिन सर्दी में हम इस पौधे को अगर लगाते हैं तो अगर जहां सर्दियां शुरू हो गई है तो उस समय इतनी तेज धूप नहीं रह सकती, रहती है हमारे यहाँ पे जनरली, तो फिर आप इसको धूप में भी आप इसको रख सकते हैं, तो आपका जर्मिनेशन इसका शुरू हो जाएगा। 10 से 15 दिन के अंदर इसमें से जर्मिनेशन होके आपके तैयार हो जाएंगे। जब पौधा 5 से 6 इंच तक का होगा तब इसको हम दूसरे पॉट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसको उगाने का। तो मैंने तो अपना पौधा लगा लिया, आप भी अपना लगाएं, और इसके आगे के अपडेट्स फिर मैं आपको दूंगी कि कैसे हमको ग्रो होने के बाद में हम कैसे अपने पॉट के अंदर इसको ट्रांसफर करें। तो आज ही शुरू करें अपना पौधा लगाना, और मेरे से अगर आप ज्यादा जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है उस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।